हमारे समाज का पूरे बिहार में एक भी विधायक नहीं है। 243 विधानसभा की सीट है, लेकिन एक भी अंसारी समाज का विधायक नहीं है। 75 एमएलसी का सीट है, एक भी एमएलसी हमारे समाज से नहीं है। बिहार से 16 राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं, उसमें भी आपके समाज से एक भी आदमी का नाम नहीं है। 40 लोकसभा के मेंबर पूरे बिहार से हैं, उसमें भी आपके समाज का एक आदमी नहीं है। चारों सदन में हम लोग जीरो पर आउट हैं, कोई सदन में हमारा आदमी नहीं है, हमारी बात करने वाला नहीं है, कोई घटना दुर्घटना हुआ तो कोई हमारा सुख दुख लेने वाला भी नहीं। और इसके अलावे जो हमारे जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि जो इस बार पंचायत चुनाव में जीत करके आए हैं, हम सभी का इस्तकबाल करते हैं, बारी बारी से हम लोग सबसे बात कराएंगे। एक बड़ा निर्णय लेना जरूरी है, हम वार्ड जीते हैं, वार्ड का बहुत बड़ा महत्व है। हम पंच जीत करके आए हैं, हम सरपंच जीत करके आए हैं, हम पंचायत समिति का चुनाव जीत करके आए हैं, या हम मुखिया बने हैं, या जिला परिषद का चुनाव जीत करके आए हैं, अभी आपके वोट से ही एमएलसी बनेगा। पूरे बिहार में 24 एमएलसी बनना है जो जनप्रतिनिधि के वोट से बनेगा। इस 24 में आपके समाज को पूरे बिहार में दोनों पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक भी टिकट नहीं मिला है, एक भी टिकट नहीं मिला। विधानसभा में हमको टिकट नहीं देते हैं, विधान परिषद में हमको टिकट नहीं देते हैं, जबकि आपकी आबादी कितनी पता है? पूरे बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% है, तो उसमें 11% आबादी सिर्फ और सिर्फ अंसारी समाज का है। इतना बड़ा आपका आबादी है, उसमें और पूरा पसमंदा समाज जोड़ दें, जो और भी हमारे जो भाई हैं, मंसूरी भाई हैं, रायनी भाई हैं, कुरेशी भाई हैं, डफाली भाई हैं, पंगड़िया समाज के लोग हैं, जितने भी लोग हैं सबको जोड़ दिया जाए तो 14% सिर्फ बैकवर्ड मुसलमानों का वोट है। इसके बावजूद इस समाज को कोई भी टिकट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है। अभी हाल में ही देखा, मुकेश सहनी जी एक पार्टी बनाए हैं वीआईपी, सुने है ना नाम? पूरे बिहार में मल्लाहों की आबादी 1% के करीब है। कितना है? 1%। वो अपने लोग को जोड़ के यूनाइट करके कहता है कि बिहार का सरकार गिरा देंगे। कितना परसेंट वाला बोल रहा है? 1% वाला। हम कितना है? हम लोग कहीं कुछ बोलने के लायक ही नहीं, क्योंकि हम लोग अपने साथ कभी एक साथ बैठे ही नहीं आज तक। 1% वाला पटना में भीड़ लगा करके विधानसभा में 11 टिकट भाजपा से ले लिया, और हम लोग 11% की आबादी है पूरे बिहार में, राजद अंसारी को मात्र 1 टिकट दिया, वो भी यादव समाज हरा देने का काम किया। कहां हम लोग पहुंच गए? कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला इसलिए नहीं है कि हम लोगों को ऊपर एक डर का माहौल बनाने का काम भाजपा करता है। भाजपा कभी हम लोग को नहीं डराता है, ना भाजपा के लोग हम लोग को डराते हैं। हम लोग, याद रखिए कि हम लोगों के समाज को, मुसलमानों को सबसे ज्यादा अगर कोई डराता है तो वो आरजेडी का लोग डराता है, कांग्रेस का लोग डराता है, महागठबंधन का लोग डराता है। क्यों डराता है? आपको कहेगा कि भाजपा की सरकार आ जाएगी तो मौलाना साहब जो दाढ़ी रख के जो रोड पे चल रहे हैं ना, तो दाढ़ी काट लेगा। भाजपा की सरकार आ जाएगी तो आज मस्जिद में जो अजान दे रहे हैं, अजान का लाउड स्पीकर आपका बंद कर देना पड़ेगा। भाजपा की सरकार आ जाएगी तो रोड पे जो चल रहे हैं मॉब लिंचिंग करके मार देगा, तो हम लोगों को पूरा डरा कर देता है। लेकिन ये बात नहीं, भाजपा का लोग नहीं कहता है। आप एक बात समझिए, क्या आज तक आपके दरवाजे पर कोई भाजपा का आदमी वोट मांगने आया है? चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, आज तक आया आपके दरवाजे पर? क्या मुसलमान कभी भाजपा को वोट देता है? समझिए, थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा। आपके दरवाजे पर वो वोट मांगने नहीं आ रहा है, आप उसको वोट देने नहीं जा रहे हैं। आपका कोई भाजपा से लेना देना है? कोई लेना देना आपका नहीं। वो आपके पास नहीं आ रहा है, आप उसके पास नहीं जा रहे हैं। लेकिन पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान में भाजपा के खिलाफ सबसे ज्यादा कोई बोल रहा है, यही मुसलमान बोल रहा है। आप खुद दुश्मन बना रहे हैं। क्या आपको भाजपा का लोग, मोदी हो योगी हो, आपको टारगेट करे? क्योंकि आप खुद दुश्मनी पैदा करा रहे हैं। हिंदुस्तान में अगर प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार है तो राहुल गांधी है। भाजपा से कोई लड़े तो कांग्रेस लड़े, राहुल गांधी लड़े, हमारे समाज को लड़ने की जरूरत नहीं है। बिहार की अगर बात करें
बिहार में मुख्यमंत्री बनने का सपना तेजस्वी यादव जी देख रहे हैं, कोई हमारे अंसारी और पसमंदा भाई नहीं देख रहे हैं। अगर भाजपा की सरकार आएगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? आरजेडी का होगा, कांग्रेस का होगा। हमारा समाज को तो एक विधायक ही नहीं, हमारा क्या नुकसान है? हमारा कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन डराया इसलिए जाता है ताकि सारा का सारा वोट इसका हम लोग डरा के ले लें। ये इतना डर जाइए समाज कि अपने हक की बात नहीं कर सके, अपने अधिकार की बात नहीं कर सके, अपने टिकट की बात नहीं कर सके। जैसे आप टिकट की बात करने जाइएगा, एक ही बात कहेगा, अरे अरे यार कहां पड़े हो टिकट विकट चक्कर में, कहीं भाजपा आ गया ना, जो चैन सुकून से रह रहा हो रहना मुश्किल कर दिया। यही वजह से, यही डर से हम लोग अपना टिकट मांगना भी बंद कर दिए, जो जैसे चला रहा वैसे चल रहे हैं। यही वजह है कि आज मुसलमानों का जो स्थिति है धीरे धीरे बद से बदतर होता जा रहा है। आज अभी एमएलसी का चुनाव होना है, कोई भी उम्मीदवार राजद का हो या जदयू का हो, आपका सर्टिफिकेट लेगा उतना पैसा आपको दे देगा। आपको अभी तक एक भी उम्मीदवार डायरेक्टली आपके पास सर्टिफिकेट लेने नहीं आया होगा, मैं वादे के साथ कह सकता हूं। कोई आया है? कोई बिचौलिया आया आपके पास जो आपके सर्टिफिकेट का सौदा करेगा? 50 सर्टिफिकेट तो दस लेगा, 100 सर्टिफिकेट दस लेगा, और वहां जाएगा कि 8,000 में हमको दिए हैं, 8,000 सबसे कलेक्ट करके लाए हैं, 10,000-12,000 वहां से लेगा, और वहां नेता वो बना रहेगा कि 100 आदमी का जब सर्टिफिकेट हमारे पास है कि 100 आदमी नेता नहीं है, हम नेता है। कौन कहेगा? वो कहेगा नेता। आप कुछ लोग नहीं दिए तो कई लोगों पास अभी हमारे समाज का सर्टिफिकेट बचा हुआ है, तो वो आपको अभी एमएलसी के उम्मीदवार से नहीं मिलने दे रहा है, तो कल कोई बड़ी घटना दुर्घटना होगा तो एमएलसी आपको पहचानेगा? आप वोट दे रहे हैं उसको खबर नहीं है कि आप उसको वोट दे रहे हैं। इसलिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हम जिसको वोट देंगे हमारे वोट से वो जीत करके हमारे ऊपर शासन करेगा। क्यों शासन करेगा समझ लीजिए, जो समाज वोट डालता है दुनिया का वो सबसे कमजोर समाज है, और जो समाज वोट लेता है वो दुनिया का सबसे ताकतवर समाज है। हम लोग आज तक सिर्फ वोट देते आए हैं, इसलिए हम लोग आज तक कमजोर होते आए हैं। जिस दिन हम लोग वोट लेना शुरू कर देंगे सबसे मजबूत ही अंसारी पसमंदा। आप 5 घर रहिए, 10 घर रहिए, 20 घर रहिए, लेकिन कहिए कि अंसारी और पसमंदा वोट देना बंद कर दिया, हम लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, हमको पता है कि बीसी वोट लाएगा, हार जाएगा। लेकिन मैसेज बहुत बड़ा होता है कि अंसारी और पसमंदा किसी दूसरे को वोट नहीं देता है, ये जब भी वोट देगा तो अपने समाज के बेटा को वोट देगा, अपने भाई को देगा, दूसरे को वोट नहीं देगा। दो तरह का सिस्टम है देश में, एक शासन दूसरा प्रशासन। शासन वो करता है जिसका सरकार होता है, और प्रशासन वो होता है जो सरकारी नौकर होता है। तो जो सरकार कहेगा वही सरकारी नौकर सुनेगा, क्योंकि सरकार पैसा देता है उसको काम करने। तो शासन कौन लोग कर रहे हैं, सरकार किसका है? यही 243 विधानसभा चुनाव में जो विधायक चुनाव जीत करके आप भेजते हैं, जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसका सरकार बनता है। जैसे उसका सरकार बनेगा, जितना सरकारी तंत्र है, प्रशासन है, सरकारी नौकर है, सब उसी का सुनना शुरू कर देगा। डीएम उसका सुनेगा, एसपी उसका सुनेगा, बीडीओ उसका सुनेगा, सीओ उसको सुनेगा, जितना पदाधिकारी रहेगा सब उसी का सुनेगा। आपका कौन सुनेगा? आपके आप भी शासन में है ही नहीं। विधानसभा के अंदर कोई विधायक आपका रहेगा तो आपका सुनेगा, लोकसभा के अंदर कोई सांसद आपका रहेगा तो आपका सुनेगा। कई लोग हमारे पास आते हैं तो वसीम साहब एफआईआर हो गया हमारे ऊपर, कुछ मदद कीजिए। मैं कितना मदद करूंगा, ना हम विधानसभा के मेंबर हैं, ना हम लोकसभा के मेंबर हैं। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम जाके अपनी बात को एसपी डीएम के यहाँ रख सकते हैं, लेकिन हमारी बात मानेगा कि नहीं मानेगा ये उस पर डिपेंड करेगा, हम प्रेशर नहीं बना सकते। लेकिन जिस दिन आप अपने समाज के बेटा को जिता करके विधानसभा के अंदर भेज दीजिएगा, लोकसभा के अंदर भेज दीजिएगा, आपको थाने से डरने की जरूरत नहीं। आप एसपी को भी लपड़ मारिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसपी जानता है केस को ज्यादा खचिटने का काम करेंगे तो दूध को इसका मंत्री बैठा हुआ है तो 2 मिनट में आ जाएगा और हमको 2 मिनट में सस्पेंड करा देगा। तो सब कुछ डर से होता है, हम लोग से कोई डरता नहीं है, यही वजह है कि हम लोग सबसे डर रहे हैं। यही स्थिति है ना, ये गांव में थाना का गाड़ी भी आके लग गया, किसी का एड्रेस पूछने लगा, सब आदमी अपना अपना दरवाजा बंद कर घर में घुस जाते हैं, पुलिस आ गया। यही स्थिति है ना,
चूंकि हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, इसलिए हम लोग को डर के साए में जीना पड़ रहा है। दूसरी बड़ी बात, जो लोग जीत करके आए हैं, कई जो मुखिया जी जीत करके आए हैं, वार्ड जो जीत करके आए हैं, बहुत समस्या भी आएगा, कुछ लोग काम कराने नहीं देगा, कोई योजना पास कराइएगा तो 4 कंप्लेंट ठोक देगा, आपको सही से काम करने भी नहीं देगा, जानता है कि समाज कमजोर है, इसको फंसा देंगे तो इसके ऊपर किसी का हाथ नहीं है। इसलिए कहा गया है कि कमजोर समाज को हमेशा एकजुट रहना होता है। हम जब कमजोर हैं तो हमारी मजबूती यही है कि हम लोग एकजुट रहें। और बिहार में आप कहीं कमजोर नहीं है, हम कमजोर इसलिए हैं कि हम एकजुट नहीं है। सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो वोट की ताकत होती है, और पूरे बिहार में जाटव समाज का 14% वोट है, तो दूसरा सबसे बड़ा पार्टी अंसारी समाज का है, 11% आपका वोट है। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो जिस दिन ये समाज यूनाइट हो जाएगा, बोला कि उसको उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। यूनाइट नहीं, हम एक टिकट के लिए उसके दरवाजे पे जा रहे हैं, उसके दरवाजे पे जा रहे हैं, कोई हमारा काम फंस रहा है तो विधायक जी के दरवाजे पे खड़े हुए हैं, उस सांसद महोदय के दरवाजे पे खड़े हुए हैं। इतनी ताकत हमारी है कि हम एकजुट हो जाएंगे तो कल हमारा अपना विधायक होगा, अपना सांसद होगा, किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के संदर्भ में हम यही कहना चाहेंगे कि पूरे गया जिला में जो हम लोग के पास डाटा है, 350 से भी ज्यादा प्रतिनिधि हमारे पसमांदा समाज से जीते हैं। कितना जीते हुए आप लोग? 350 से भी ज्यादा सिर्फ गया जिला में, और जहानाबाद का जिला और अलवर का जिला जोड़ देंगे तो तकरीबन 500 हो जाएगा वोट जो हमारे पसमांदा समाज का है। ये 500 वोट कितनी बड़ी ताकत है कि आज आप ऐलान कर दीजिएगा कि जो महापंचायत कहेगा वही वोट डालेंगे, ये उम्मीदवार कोई बड़ा चीज नहीं है। एक तरफ नीतीश कुमार जी का फुनाना शुरू हो जाएगा तो दूसरी तरफ लालू यादव जी का फुनाना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपको ये कहना होगा ये समाज अब सौदा नहीं करता है, ये समाज वही वोट डालेगा जो समाज का नेता कहेगा, जो समाज का बेटा कहेगा। बहुत बड़ी ताकत है आप, लेकिन आपका सर्टिफिकेट कोई लेके भाग जा रहा है, आपका सर्टिफिकेट लेके कोई भाग जा रहा है, वो आ रहा है कि मुखिया जी का प्रेशर है, वो आ रहा है कि मोहल्ले का प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है? चुनाव जिताने में तो कोई नहीं आए थे, चुनाव जिताने में एक एक आदमी को ही समाज खड़ा था। आज वक्त है जीतने के बाद आप समाज के साथ खड़ा होंगे। आपको समाज ने जिता के यहां तक भेज दिया, कोई एक शख्स नहीं कह सकता है कि हम अपने बदौलत पे पंचायत का चुनाव जीते हैं। कोई भी जीता है तो उसके पीछे ये समाज लगा है तब जीता है, अपने बदौलत कोई नहीं जीता। धर्म में ना रहे कोई आदमी कि हम अपने से चुनाव जीत गए, हम बहुत पावरफुल थे, बहुत पैसा था तब चुनाव कल निकल गए। 50-50 लाख रुपया इसी जगह पे खर्चा करके लोग चुनाव हारे हैं। हमारे मुमताज अंसारी साहब जो बैठे हैं, पूरे गया जिला के चेयरमैन, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन करीना कुमारी को जो 1,00,000 रुपया खर्चा किया, उनको ही हरा के यहाँ पे बैठे हैं। आपकी ताकत है, आपका वोट है। लोकतंत्र में जिसकी ज्यादा संख्या होता है वही समाज सबसे ज्यादा पूछ रहेगी। कल अगर समाज के कहने पर एक जगह वोट डालेंगे तो हम लोगों ने कहा है, दोनों प्रत्याशी से मिलकर हम लोग बता चुके हैं कि वोट का जो पैसा है वो तो हम लेंगे ही लेंगे, फ्री में तो वोट नहीं देंगे, इसमें पैसे में वोटे पड़ता है। ये मत समझिए कि अंसारी समाज तो फ्री में वोट देगा। जितना वोट का पैसा फाइनल होगा, 8,000 हो, 10,000 हो, 12,000 हो, 15,000 हो, पैसा भी सबसे ज्यादा हम लेंगे। और दूसरा, इसके अलावा गया शहर में एक आपको अंसारी और पसमांदा समाज के लिए एक हॉस्टल या एक लाइब्रेरी बनाना होगा। जो वोटर हैं उनको मैं पैसा ज्यादा दिलाऊंगा, ये जो पूरा समाज बैठा हुआ है इनके लिए इसी शहर में एक हॉस्टल एक लाइब्रेरी बनाने का मैं सोच रहा हूं, ताकि जब रात बिरात कोई डुमरिया इमामगंज से जो लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, किसी सरकारी काम करने के लिए, खिजासराय यात्री जो बहुत दूर है, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जो गया शहर से दूरी है, जब आते हैं कभी कभी रात हो जाता है तो बड़ा टेंशन बना रहता है, इतना रात को लौटे कि शहर में रुक जाए, रुकने का कोई जगह भी आपके पास नहीं है, तो एक वैसी जगह मैं बनाना चाहता हूँ। ये तब बनेगा।
आप एकजुट होकर कहेंगे तो जो अंसारी महापंचायत तय कर देगा वहां वोट डालेंगे तो वोट का पैसा भी ज्यादा मिलेगा और साथ साथ पूरे समाज पूरे कम्युनिटी के लिए एक शहर में बढ़िया हॉल भी आपके लिए बन जाएगा जिसमें आपके बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ सकेंगे, आपका बच्चा उस हॉस्टल में रह सकेगा ताकि समाज को हम आगे की लड़ाई में और मजबूती से बात रख सकें।